ये खबरें बाकी खबरों से जरा हटकर है। शुरुआत करते हैं बिहार के मुंगेर में हुई सीएम नीतीश कुमार की रैली की खबर से। यहां जेडीयू उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे नीतीश कुमार के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के दौरान अचानक अफरा तफरी मच गई। हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के दौरान तेज हवा ने सभा स्थल पर लगाए गए पंडाल को उड़ा दिया। सभा स्थल पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने बमुश्किल स्थिति पर काबू पाया, लेकिन अफरा तफरी की स्थिति काफी देर तक रही। बताया जा रहा है कि पंडाल को ठीक से बांधा नहीं गया था, इसलिए तेज हवा की वजह से पंडाल ही उड़ गया। किसी और के सपने को पूरा करने के लिए उसे अपना सपना बना लेना कोई आम बात नहीं है, लेकिन जब एक टीचर अपने छात्र के लिए ऐसा करे तो निश्चित तौर पर यह बेहद खास है, और वैसा शिक्षक हर छात्र अपने जीवन में जरूर चाहेगा। जी हाँ, ग्रीस के एक एथलीट मैरियोस ज्ञानकोव ने विकलांग छात्रा के सपने को पूरा करने के लिए अविश्वसनीय काम किया है। इस रेसर ने टोसियो नाम की छात्रा को अपनी पीठ पर बिठाया और माउंट ओलिंप के शिखर पर ले गए, जहाँ उस छात्रा का जाने का सपना था। भले ही मारियोस ने माउंट ओलंपस को पहले भी फतेह किया था, लेकिन उन्हें 91 बार शिखर पर जाने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई, क्योंकि उनकी छात्रा का वहां पहुंचने का सपना था। छात्रों के प्रति इसे उनका समर्पण कहा जा रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में एक कपल ने अपनी शादी में एक मिसाल कायम कर दी। यूरेका आप्टा और जोना ने अपनी शादी मंदिर में रचाई। इसके बाद उन्होंने 500 बेजुबान जानवरों को खाना खिलाया। इस कपल के इस दावत की जमकर सराहना हो रही है। 25 सितंबर को जब उनकी शादी हुई तो पशु कल्याण ट्रस्ट एकमरा के स्वयंसेवकों ने उनकी तरफ से आवारा कुत्तों को खाना खिलाया। यूरेका आप्टा पेशे से फिल्म निर्माता हैं, जबकि जोना वांग एक दंत चिकित्सक है। इसके साथ ही उन्होंने ट्रस्ट के लिए दान भी किया। अब इस कपल की चारों ओर तारीफ हो रही है। न्यूज़ तक ब्यूरो।